नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सोमवार को 28वें रोजगार मेले में बरसी नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किए 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र। कहा, पिछले 9 वर्षों में दिखा परिवर्तन का एक नया दौर। शासन में बदलाव लाने के मिशन में युवाओं को बताया सबसे बड़ी शक्ति। मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुआ रोजगार मेला। कृषि मंत्री ने तकनीक पे जनधन खातों को बताया आम लोगों के हित में परिवर्तनकारी कदम। कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2.61 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में गराए गए हैं जमा। नई दिल्ली में G20 इंडिया एग्रीटेक शिखर सम्मेलन में भविष्य में प्रौद्योगिकी आधारित कृषि की संभावनाओं पर हुई चर्चा। सम्मेलन में स्टार्टअप और कृषि उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। तकनीक के प्रयोग से कृषि क्षेत्र की बदली तस्वीर का सबने माना लोहा। और जयपुर में हुई G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने भारत से की आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग। अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल से गेहूं, चावल, मसूर, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक का निर्यात करने का आग्रह। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। देश में एक बार फिर नौकरियों की बरसात हुई है। 51,000 से अधिक युवाओं के लिए 28 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। 8वें रोजगार मेले में पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे। पिछले 10 महीनों में सरकार 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दे चुकी है और पीएम मोदी का संकल्प 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। इस बीच रोजगार मेले में बरसी नौकरियों ने युवाओं का हौसला और बढ़ा दिया। देश भर के 45 स्थानों पर 8वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और उनको सशक्तिकरण का अवसर मिलने की उम्मीद है। देश भर से चुने गए नए कर्मी गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और गैर जनरल ड्यूटी कैडर पदों जैसे विभिन्न श्रेणी के पदों पर अपना योगदान देंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था, अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। पीएम ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश को आगे ले जाने का जो प्रयास किया गया है उससे परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले 9 वर्षों के हमारे प्रयासों से परिवर्तन का एक और नया दौर दिखने लगा है। पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, ये संकेत है कि दुनिया भर के बाजारों में भारतीय सामानों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। इन नवनियुक्त युवाओं ने केंद्र सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। इस रोजगार मेले के तहत मैं मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, ताकि हम जैसे युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। भारत सरकार को बहुत बहुत आभार हूं कि इतनी जल्दी भर्ती पूरी करवाई। अभी तक की इतिहास में सबसे जल्दी भर्ती पूरी इसी साल हुई है।
हमारे घर में मेरा ये फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब है। पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलता है, हमारे ये ऐसा मोदी गवर्नमेंट से ऐसा चांस मिलने का भी हमको बहुत लक्की है। बचपन से मेरा एक शौक था सर इंडियन आर्मी ड्रेस पहनने का, तो आज सच्ची में ये होने वाला है कि बोल के मैं बहुत खुश हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमें देश सेवा करने का मौका मिला, ये हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत ही सम्मान और खुशी का पल है। मैं इस रोजगार मेला में आके बहुत खुश हूँ, तब मेरा BSF में चुनाव हुआ और मुझे इस रोजगार मेला में सर्टिफिकेट दिया, जिससे हमें हमारी खुशी को और आगे बढ़ाया, इसके लिए थैंक यू। पीएम मोदी ने गवर्नमेंट और गवर्नेंस में बदलाव लाने के अपने मिशन के लिए इन युवाओं को अपनी बड़ी ताकत बताया। पीएम ने युवाओं को मंत्र देते हुए कहा कि आज हर चीज एक क्लिक पर मौजूद होती है और लोग हर सर्विस की तेज डिलीवरी चाहते हैं, साथ ही समस्याओं का समाधान टुकड़ों में नहीं बल्कि स्थायी होना चाहिए। लिहाजा पब्लिक सर्वेंट्स होने के नाते आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए ऐसे फैसले लेने होंगे जो लंबे समय तक लोगों के लिए फायदेमंद हों। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मध्य प्रदेश के भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आतिथ्य में हुआ। यहाँ उन्होंने युवाओं को सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निरंतर बढ़ रहे रोजगार के अपार अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी, इसने गांवों और गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ रोजगार पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। योजना में 9 वर्षों में 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। योजना ने गरीबों, वंचितों तथा सीधे लाभ पहुंचाने में लोगों की मदद की है, साथ ही आदिवासियों, महिलाओं, दलितों व अन्य वंचित वर्गों के रोजगार स्व रोजगार में मदद की है। 21 लाख से अधिक युवा बैंक मित्र या बैंक सखी रूप में कार्यरत हैं। जनधन खातों ने गांवों में महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया है। जनधन योजना ने देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव को तेज करने में जो भूमिका निभाई है वह वाकई अध्ययन का विषय है। कृषि मंत्री ने कहा कि तकनीक व जनधन खातों का कमाल है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक PM किसान सम्मान निधि के तहत 2.61 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करा दिए हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में 9 वर्षों में DBT के माध्यम से 25 लाख करोड़ रुपए देश की जनता तक 100% पहुंचे हैं। ना कोई बिचौलिया, ना कमीशन एजेंट, ये देश की बड़ी सफलता है। और नई दिल्ली में G20 इंडिया एग्रीटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिखर सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की भूमिका और भविष्य में प्रौद्योगिकी आधारित कृषि की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में स्टार्टअप और कृषि उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। G20 इंडिया कृषि तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि खेती में प्रौद्योगिकी और किफायती डिजिटल सेवाओं के मिश्रण से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि उभरती कृषि तकनीक के साथ छोटे किसानों को सशक्त बनाने से उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अपने संबोधन में उन्होंने अगली बड़ी हरित क्रांति लाने और कृषि क्षेत्र को डेटा संचालित अनुकूली प्रणाली में बदलने में कृषि डिजिटलीकरण के महत्व को रेखांकित किया, जिससे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। G20 members being the major agriculture producers, consumers and exporters have come together to take a collective responsible towards, they have taken a collective responsibility towards transitioning to a sustainable and resilient agricultural food system. This they have committed to achieve through strengthening policies and collaborative actions, especially for accelerating innovation and the use of digital technology. Fundamentally, our ambition should be to transforming the agri-food sector into an attractive, very attractive and lucrative modern business enterprise. This needs to be done by keeping the farmers at the core of this digital revolution, by facilitating affordable access to an inclusive digital infrastructure and exploration of digital tools that cater to the needs of the agri-sector. वहीं शिखर सम्मेलन में आए कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि बीते दशकों में तकनीक के प्रयोग से कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदली है। Some 60 years back, I still recall we were living from ship to mouth, importing wheat from USA under PL 480. In the last 50 years, we have made big strides from being not only being self-sufficient, but also a net exporter of food and vegetables all across the world.
It has all been possible because of science and technology. I always believe that agriculture has to be science-based and technology-driven. बांग्लादेश ने भारत से गेहूं, चावल, मसूर, चीनी, प्याज, लहसुन और अदरक समेत 7 आवश्यक वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने जयपुर में G20 देशों के वाणिज्य और निवेश मंत्रियों की बैठक से पहले शुक्रवार को अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल से इस संबंध में आग्रह किया। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के समय से बांग्लादेश की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है। बांग्लादेश भारत से प्रतिवर्ष 45 लाख टन गेहूं, 7 लाख टन प्याज, 30,000 टन मसूर, 20 लाख टन चावल, 15 लाख टन चीनी, 10,000 टन लहसुन और 1.25 लाख टन अदरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है। बांग्लादेश में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भारत का मानना है कि ये बांग्लादेश को किए जा रहे मौजूदा निर्यात की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक है, इसीलिए उसने बांग्लादेश को इन खाद्य वस्तुओं के प्रस्तावित कोटा की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। इस संबंध में बांग्लादेश वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक करने का इच्छुक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली आने का कार्यक्रम है, जिससे बांग्लादेश को सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। पंजाब में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के पोर्टल पर 79 मंडियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए मूल्य के कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त की गई है। पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब में ई नाम प्लेटफॉर्म के संबंध में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए जानकारी दी। सम्मेलन का आयोजन पंजाब मंत्री बोर्ड ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की के सहयोग से किया था। ई बाजार प्लेटफॉर्म किसानों के लिए 24 घंटे खुला रहता है और राज्य के किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में 31 अगस्त तक अत्यधिक वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमालय के तराई वाले इलाकों में मॉनसून की वर्षा हो रही है और अगले 5 दिनों तक इसके जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भागों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा की संभावना भी व्यक्त की है। ये भी कहा गया कि देश के बाकी भागों में अगले सप्ताह भी वर्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त मौसम विभाग ने कहा है कि केरल और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अगले 3 दिन गर्मी और उमस महसूस की जा सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं असम में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन गई है। राज्य का डिब्रूगढ़ जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। राज्य के लगभग 17 जिलों में 1,09,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से 8,000 हेक्टेयर से अधिक फसल क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य में लाखों जानवर भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 45 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। SDRF स्थानीय प्रशासन की मदद से यहां कल लगभग 111 लोगों को रेस्क्यू किया गया। और अगली खबर गुजरात से। गुजरात में केवड़िया में एक विशेष मियावाकी जंगल विकसित किया गया है। इसे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर भी जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया। इसे बनाने का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के साथ इसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करना है। कई एकड़ में फैले इस मियावाकी जंगल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल और फ्लोरल गार्डन भी शामिल है। दूर दूर तक जहां देखो हरियाली ही हरियाली है। गुजरात के कच्छ जिले के भुज में यह है अपनी तरह का सबसे बड़ा जंगल। गुजरात के भुज में भूकंप पीड़ितों की याद में बने इस मियावाकी जंगल की खास बात यह है कि कुछ सालों पहले तक यहां बंजर जमीन थी। जहां तक नजर जाए बस वीरानी ही वीरानी थी, लेकिन अब उसकी जगह ले ली है इस खूबसूरत जंगल ने। इसे नाम दिया गया है स्मृति वन। जी हां, भूकंप पीड़ितों की याद में बना है ये स्मारक वन, जिससे भुजिया पहाड़ी अब हरी चादर से ढकी हुई है। इससे गुजरात का ग्रीन कवर तो बढ़ा ही है, भुज की सुंदरता में इजाफा हो गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस प्रयास की सराहना की। एकना नगर में ये जो मियावाकी वन बनाया गया है, इसकी प्रेरणा का मुख्य स्रोत हमारे प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एकता नगर की परिकल्पना उनके विजन से हुई है और उनका विजन यह है कि इस स्थल को इस तरीके से बनाया जाए कि यहाँ आने वाले लोग एक तो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का, यहाँ पर जितने भी अट्रैक्शंस बनाए गए हैं उसका आनंद लें, इससे एक संदेश लें और इससे प्रेरणा लेकर और जगह पर भी इस प्रकार के वनों का निर्माण हो। हमारे यहाँ पर जो ऑन सीजन है उसके अंदर लगभग 6000 तक पर्यटक इसको देखने के लिए हर मंथ आ रहे हैं और ऑफ सीजन में भी हम देख रहे हैं 2500 से ज़्यादा व्यक्ति हर महीने इस वन को देखने के लिए आ रहे हैं। बाकी जंगलों को बनाने में सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन कम समय में 1.5-2 साल में जंगल बना है, एकदम प्रकृति यहाँ पे आज खिली हुई है। और मैं तो उल्लेख करता हूँ, ऐसे जंगल घने और बनने चाहिए और लोगों को एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे जंगलों में आपको विजिट करनी चाहिए। और सही में एक अविस्मरणीय जगह थी और हमको ये जान के मतलब ये देख के इतना खुशी हुआ। मोदी जी ने जो बनाया मियावाकी में वो हम देख के बहुत खुश हो गए। देखा कि ऐसा तो मोदी जी बना सकते और कोई नहीं बना सकता। तो हम ऐसा सोचते कि ऐसा और घने जंगल शॉर्ट टाइम में बनना चाहिए जाकर ताकि हम लोग विजिट कर सके और उसका आनंद ले सके। यूं तो जंगल होना सामान्य बात है, लेकिन ये अपनी तरह की अनूठी और बड़ी कोशिश है जिसे कच्छ जिले के भुजिया डूंगर में बंजर जमीन पर तैयार किया गया है। एकड़ में फैले इस मियावाकी जंगल को कई भागों में बांटा गया है। इसमें टिम्बर, फ्रूट, मेडिसिनल और फ्लोरल गार्डन शामिल है। यहाँ मियावाकी पद्धति से पिछले 2 वर्षों में 117 प्रकार की लगभग 3 लाख पेड़ों की खेती की गई है। निकट भविष्य में यहाँ 40 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना है। जो जगह कभी बंजर हुआ करती थी आज एक खूबसूरत स्मृति वन में तब्दील हो गई है। यही तो है जज्बा है हमारे देश के लोगों का। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कच्छ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मंडी भाव की, देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडी में इस दौरान भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में मसूर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 26 अगस्त को इसका भाव 6500 रुपए था, जो 28 अगस्त को 20 रुपए गिरकर 6480 रुपए क्विंटल पर रह गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी मसूर के कारोबार में सुस्ती देखने को मिली। यहां 26 अगस्त को इसका भाव 6780 रुपए था, जो 28 अगस्त को 20 रुपए लुढ़क कर 6760 रुपए क्विंटल गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भी कमजोरी का सिलसिला रहा। यहां 26 अगस्त को मसूर का भाव 6800 रुपए रहा, 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की मामूली नरमी आई और भाव 6790 रुपए क्विंटल पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में मसूर के कारोबार में तेजी देखने को मिली। यहां 26 अगस्त को मसूर का भाव था 6760 रुपए, जो 28 अगस्त को 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 6765 रुपए हो गया। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मसूर की उपज 15,80,000 टन रहेगी, जबकि साल 2021-22 में ये आंकड़ा 12,69,000 टन था। यानी इस बार मसूर की उपज में 3,11,000 टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल दलहन की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273,02,000 टन की तुलना में 2,02,000 टन अधिक है।
ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। सोमवार को इसके भाव कहीं चढ़ते दिखे तो कहीं उतरते, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग्वाक नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 26 अगस्त को मक्का का भाव 1950 रुपए था। 28 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए मजबूत होकर 1960 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 अगस्त को मक्का का भाव 1740 रुपए रहा, 28 अगस्त को इसमें 10 रुपए की नरमी आई और भाव 1730 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 अगस्त को पीली मक्का का भाव 2040 रुपए था, जो कि 28 अगस्त को 5 रुपए गिरकर 2035 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि राज्य की ही डिबाई मंडी की बात करें तो यहां मक्का का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 26 अगस्त को मक्का का भाव 1900 रुपए था, 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1900 रुपए पर ही टिका रहा। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 359,13,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की तुलना में 21,83,000 टन अधिक है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। गुजरात के किसान इस मौसम में बैंगन, टमाटर और मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। यहाँ के किसान लंबी और गोल आकार की लौकी की पकी फसल की तुड़ाई कर ले। गुजरात में रतालू के खेतों में किसान खरपतवार नियंत्रण के उपाय कर ले। गुजरात में ही बाजरे की फसल में ब्लास्ट रोग दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही बाजरे में तना छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो नीम के कीट का छिड़काव करें। यहां अरहर की फसल को खरपतवार मुक्त रखें। इनके खेतों को इल्लियों से बचाने के लिए चारों ओर पीले गेंदे के फूलों का पौधा रोपण करें। साथ ही इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप भी लगाएं। गुजरात में मूंगफली के खेतों में निराई कर ले, साथ ही साफ मौसम में इसमें जरूरी पोषक तत्वों का छिड़काव भी कर ले। गुजरात में सोयाबीन की फसल में मोज़ेक वायरस से ग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। यदि संक्रमण अधिक हो तो विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का स्प्रे करें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के किसान धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। महाराष्ट्र के पुणे जिले में किसान सोयाबीन, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द के खेतों की सिंचाई कर ले। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सब्जियों, पपीते और केले के बागानों की समय समय पर सिंचाई करें। महाराष्ट्र के नासिक में धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहां के किसान 3 दिन पहले बोए गए बाजरे में 30 किलो नाइट्रोजन की शेष ड्रेसिंग करें। नासिक में कपास में रस चूसक कीट को नियंत्रित करने के लिए 5% नीम के अर्क का स्प्रे करें। नागपुर में अरहर में पत्ती मोड़क दिखाई देने पर इसको नियंत्रित करने के लिए नीम की निम्बोली के अर्क का छिड़काव करें। समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है।
पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। एक हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। खास खबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय मिजोरम दौरे पर है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने ईडी के सहायक निदेशक पवन खत्री, एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान, क्लारेजिस होटल एंड रिजॉर्ट के सीईओ विक्रमादित्य और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एनआईए ने राजस्थान आतंकवादी साजिश मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जयपुर एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। उनके आईएसआईएस लिंक की जांच जारी है। शारदा समूहधन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने नया आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक पूर्व डीजीपी और माकपा के एक पूर्व विधायक को आरोपी बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरपी इन्फो सिस्टम लिमिटेड के खिलाफ 700 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ये गिरफ्तारी की है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी को पत्र भेजकर उत्तर 24 परगना में हुए विस्फोट में घायल हुए कुछ नाबालिग बच्चों के मामले की जांच करने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को सजाने संवारने में लगी हुई हैं। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 9 तारीख से शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए किसी भी चिकित्सा आपदा स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।